मैं रियल बॉय हूँ। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ इस बिहड़े जंगल से कैसे बचे और कीड़े मकड़े से कैसे बचे। जो जो भी कीड़े मकड़े मिल जाए हम खाएंगे और कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन आग को भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक जंगल में बचने के लिए ये बांस को हम बुरछा बनाएंगे। ये देखिए बांस, हम ये बांस से बुरछा बनाएंगे, बस ये करेंगे हम। बस आप जब भी जंगल में जाए और आप सुरक्षित रहने के लिए एक बुरछा बनाएं और बुरछे को लोग क्लियर कर दीजिए। उसके बाद जंगल के अंदर जाइए, लेकिन लेकिन वो कहीं भी जंगल के जीव आपको हमला कर सकती हैं, इसलिए पहले बुरछा बनाओ और जंगल के अंदर जाओ, क्योंकि आजकल बहुत जंगल में कीड़े मकड़े डेंजरस जीव रहते हैं। इसलिए पहले बुरछा बनाओ, उसके बाद हमला करने के लिए तैयार रह जाओ। क्योंकि जंगल में बचने के लिए पहले बुरछा बनाओ, बस जंगल अंदर जाओ। ये हमारा ये बुरछा होने के लिए तैयार है। लेकिन इसी जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा जानवर भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्नेक हो सकता है, क्योंकि 2 साल पहले इधर एक दो आदमी आए थे घूमने के लिए और क्या लेने के लिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको सांप ने डांस मार दिया और 1 घंटे के अंदर जान गवा बैठे। लेकिन हम ऐसे खतरनाक एरिया से सावधानी से जाएंगे और सांप से बच के जाएंगे। लेकिन वो हम आगे भी मिलेगा तो हम उसको कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको दिखाएंगे। हमारा ये बुरछा हो गया, ये देखिए हमारा ये हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा लोकीला बनाते हैं ये, क्योंकि धार होने से कुछ जानवर को मारने के लिए सही होगा। ये अभी देख रहे हैं ये कैसे लुकीला हो गया है। लेकिन हम जैसे कोई जानवर आएगा हम ऐसे हमला करेंगे, पूरा ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो इधर घुस जाएगा, लेकिन हम उसको मार सकते हैं और खाना भी हमारा मिल जाएगा। लेकिन हम आगे चलते हैं, देखिए इधर आइए, ये वाला इधर हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन यहाँ से देखिए इधर देखिए, ये हमारा ये स्नेक जाने आने का रोड है, लेकिन यहाँ से हम स्नेक भी मिल सकता है। लेकिन ये जाने आने का देखिए कि पत्ता कैसे इधर इधर हो गया है, लेकिन हम सर दिखाएंगे, बस हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। आज हम यहाँ शाम हो जाएगा, हम यहाँ रात को रोकेंगे, लेकिन हम रुकने के लिए एक एक झोपड़ी बनाएंगे। लेकिन झोपड़ी बनाने के लिए एक लकड़ी और ये धागे दिख रहे हैं, ये वाला हमसे सही है, लेकिन यहीं से हम गांठ मारेंगे। गांठ मारने के बाद ये हो गया, ये हमारे लिए सही। आप जब भी जंगल जा रहे हो और आगे जो मिल जाएगा उसी को पकड़ लेना, क्योंकि वो आपको मदद कर सकता है। रस्सी नहीं हो, रस्सी या पत्थर नहीं तो चक्कू नहीं तो जो भी मिल जाए बस आपकी बैग में रख लीजिए। लेकिन ये देखिए जंगल में ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये पेड़ कंटे जैसा है, आपकी जान भी ले सकती है। लेकिन ये देखिए कैसे कैसे धार जैसा है, लेकिन इधर कैसे हमारा हाथ लग जाएगा तो खून भी निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ से दूर रह सकते हैं, लेकिन हम आगे देखते हैं क्या बनाने के लिए सही जगह ढूंढेंगे और क्या होने के बाद हम रात को यहाँ पर सोएंगे और खाना पीना ढूंढेंगे, जो मिल जाए हम खाएंगे। लेकिन पानी तो अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा बदन पूरा भीग गया है। लेकिन आगे देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं। ये जंगल बहुत खतरनाक है, जब भी जाए इसे चारों तरफ ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये कैंप बनाने का सही जगह है। लेकिन जंगल में आप जब भी जाए और नीचे नहीं सोना, क्योंकि नीचे में सांप बिच्छू और गड्ढा भी हो सकता है। लेकिन आप जब भी नीचे कैंप लगाओगे जंगल में, ऊपर में ज़्यादा ऊपर में कैंप लगाओ, क्योंकि नीचे नहीं लगाना। हम यहाँ से कैंप बनाएंगे, लेकिन पहले हमको एक टहनिया ढूंढेंगे और लकड़ी मारने के लिए ये भी सही है। हम ये तो सीखा है, ये नहीं हो सकता।
बस मैं क्या बनाने के लिए अभी मैं एक रस्सी ढूंढूंगा और उसके बाद लकड़ी काटूंगा। लकड़ी काटने के बाद उसके डंडा लगाकर हम उसे सोने के लिए इस बिस्तर बनाऊंगा। रात को हम सोने के लिए एक बिस्तर बनाने के लिए सही तरीके बनाऊंगा। लेकिन आप जब भी जंगल में सोएंगे ऊपर सोना चाहिए, क्योंकि नीचे सांप बिच्छू डंक मार सकते हैं। इसीलिए अच्छे से सोने के लिए अच्छे क्या बनाना चाहिए। दो साल पहले दो तीन फ्रेंड एक जंगल घूमने के लिए पिकनिक करने के लिए गए थे, लेकिन वो रात हो गया इसलिए नीचे बिस्तर बनाया। और बिस्तर बनाने के बाद उसको रात को चैन के नीचे सो गए, लेकिन उसके बाद वो बिच्छू और सांप दोनों एक डांक मार दिए एक फ्रेंड को। एक घंटे के अंदर उसकी जान गवा बैठी। इसलिए मैं उसी की तरह गलती नहीं करूँगा और हम ऐसे डंडे के सहारे हम ऊपर में सोएंगे। लेकिन हम पहले क्या बनाएंगे, बाद में खाना ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर रात को रहने के लिए पहले क्या बनाओ, उसके बाद खाना ढूंढो और खाना ढूंढने के बाद खाओ और चाव से नींद जाओ और सुबह होने के बाद घर जाओ। लेकिन हम अभी तो ये क्या हो गया, हम अभी धागा ढूंढेंगे उसको बांधने के लिए। यहाँ देखिए ये ऐसा हो गया, बस हम ऐसे गांठ मारेंगे, बस यहाँ पर ऐसे हम सोएंगे। लेकिन हम थोड़ी देर रुकिए, ऐसे लगाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से सही तरीके से काटेंगे लकड़ी को, ये फिसल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से गांठ लगाने के लिए इधर से हम खींचेंगे, क्योंकि हम रात को सोने के समय गिर ना जाए, आखिर गिरते हैं हम पत्थर के चट्टान में। ये हम ऐसे पहले हम इसको बांधेंगे, बांधने के बाद जब भी जंगल में कैंप बना रहे हो वो सावधानी से बनाएं, क्योंकि जब भी गांठ मार रहे हो अच्छे से गांठ मारिए, क्योंकि रात को आपकी चैन की नींद बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से गांठ लगाओ, उसके बाद अच्छे से कैंप लगाओ, वो खाना हो जाएगा तो अच्छे से खाना खाकर चैन से नींद जाओ। ऐसा मत गलती करना कि अच्छे से कैंप नहीं बनाए और रात को बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, आपका नींद भी ख़राब हो सकता है। नहीं है आप दिन भर जितने भी काम करो और जितने भी मेहनत करो, क्योंकि रात को अच्छी से चैन से नींद सोना चाहिए। चैन से सोने के बाद आपको ताकत भी मिल सकता है, आपको बड़ी भी अच्छा लगेगा। ये हमारा सही तरीके से हम रखेंगे, ये बांधने के बाद हम यहाँ से सोने के लिए सही होगा। लेकिन हम पहले इसको बांधेंगे बस, लेकिन हम यहाँ गिर ना जाए, लेकिन हम यहाँ से अच्छे तरीके से बांधेंगे ऐसे। लेकिन अब जब भी बांध रहे हैं ध्यान से बांधे, ये टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन सावधानी से बांधना चाहिए, नहीं तो आपको गिर सकते हैं, आपका नींद भी खराब हो सकता है। लेकिन ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे हम घुमा उड़ दें, लेकिन पहले से हम हमारे बदन गीले से भीग गए हैं। ये कपड़ा उतार देंगे, लेकिन हमारा देखिए पूरा पट्टी गर्म हो गया। लेकिन हम इधर से ऐसे बांधेंगे, ये हो गया हमारा सोने के लिए। लेकिन हम रात को ढूंढेंगे खाने के लिए, बस सही तरीके से गांठ मारना चाहिए, बस दूसरे वाला है। बस लेकिन पहले हम सोने के लिए पहले हम ऊपर में आपका वजन संभालेगा कि नहीं ये चेक करेंगे और उसके बाद ऊपर सेंगे, नहीं तो हम गिर जा सकते हैं। लेकिन ये हमारे वजन भारी संभालने के लिए ये हमारा वजन संभालने के लिए भारी सही है। लेकिन हम यहाँ पर पत्ते डालेंगे, पत्ते से हमारा पत्ते भी अच्छा है, लेकिन ये हम अभी नहीं पत्ते हैं। यहाँ पर प्याज रहेगा, ये हमारा 38। बस हम यहीं से ऐसी तरीके से हम सोए, देखिए ये हमारा सोने के लिए सही है, बस नीचे देखिए ये हमारा सोने के लिए सही जगह है। लेकिन यहाँ कैसे झूले झूलने का हिला रहे हैं, लेकिन देखिए अच्छा लग रहा है। इस तरफ दिखाओ कैमरा मैन, इस तरफ दिखाओ,
पूरा अच्छा अच्छा चैन से नींद रात को मिला होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखिए कितना अच्छा सा सोने के लिए हम रात को यहाँ पर सोएंगे। लेकिन पहले हम अभी टाइम हो गया 3:30 हो गया और 3 घंटे बाद शाम हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद हम खाना ढूंढेंगे, पानी भी ढूंढेंगे और पीने के बाद हम यहाँ पर रात गुजारेंगे। फिर रात होने के बाद सुबह हम घर जाएंगे। लेकिन पूरा ये ऐसा देखिए पूरा झूले जैसा झूल रहा है। बस हम खाना ढूंढेंगे, बस अभी शाम होने वाले हैं। देखिए पूरा पूरा तूफान आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आज रात इधर गुजारेंगे। लेकिन देखिए पूरा पूरा तेजी से तूफान आ रहे हैं, बारिश की मौसम है। लेकिन हम आज रात को यहाँ रुकेंगे और रुकने के बाद खाना भी ढूंढेंगे। खाना तो हमारे मिल गया। लेकिन देखिए इधर पीछे पीछे आइए, ये वाला क्या चीज़ है, ये घोंसला है, ये अंदर ये मेरे खाने के लिए सही चीज़ मिल गया। ये घोंसला है, ये देखिए दो अंडा मिल गया खाने के लिए। रात को हो जाएगा। लेकिन हमारा तो अभी सोने के लिए टेबल बना दिया। और ये हम सोने के लिए ये पत्ता इधर डालेंगे। लेकिन पहले से हम ये बैग रखेंगे सोने के लिए। बस ये तेजी से हवा आ रही है, बस ये पत्ते हम काट ली। इधर हम रात को बिस्तर बनाएंगे और सोएंगे। बस हमारा सोने के लिए सही जगह है। लेकिन भगवान की कृपा से बारिश मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गिल्ले हो जाएंगे। गिल्ले होने से हमको बुखार आ जाएगा। लेकिन यहाँ से और थोड़ा पत्ता डालेंगे। इधर भी देखा कितने से तेजी से तूफान आ रही है, देखिए। और उधर भी देखा, ये हमारा सोने के लिए सही है। इधर देखिए थोड़ा हम ट्राई करेंगे, हमारा बदन लेगा ही नहीं लेगा, जैसे हम सोएंगे रात आज को। लेकिन हवा आने से हमको सावधानी से चारों तरफ इस्तेमाल कीजिए बचने के लिए। नीचे धुआं लगा दीजिए, देखेंगे बस बारिश होगा या नहीं। लेकिन ऊपर तो छत भी नहीं है, एक पेड़ के नीचे हम पेड़ के सहारे हम इधर कैंप बनाए हैं। लेकिन रात के अंदर कोई सांप नहीं तो बिच्छू हमको काट सकते हैं, इसीलिए हम ऊपर बनाया है। लेकिन अब हमको एक घोंसला दो घोंसला मिला है और एक घंटे के बाद हम उसको पका कर खाऊंगा। और हमारे कैमरामैन टीम भी साथ है। लेकिन हम देखेंगे रात को क्या होगा क्या नहीं है। लेकिन हम सावधानी से इधर चैन की नींद सोएंगे, ऐसे सोएंगे हम। लेकिन थोड़ा सा और ये देखिए घोंसला मिल गया। लेकिन बारिश के मौसम तेजी से तूफान हो रही है। लेकिन हमको आग जलाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करने का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तेज़ी से हवा जा रही है। इधर आग नहीं लगा पाऊँगा। लेकिन हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में हम ऐसे तोड़ के ऐसे खाए थे। लेकिन आज हम एक इस पत्ते से हम एक बनाऊँगा चूल्हा। देखिए इधर हम इधर रख देते हैं और ये वाला पत्ता ऐसे करेंगे और ऐसे घुसाएंगे। लीजिए कितना हो गया। लेकिन रात को खाना हमारा लेंगे। लेकिन देखिए हम यहाँ से दो अंडा को तोड़ेंगे, उसके बाद खाएंगे। इधर दिखाए थोड़ा, ये देखिए पूरा अच्छा सा है। ये दूसरा वाला भी हम करेंगे। लेकिन पूरा ये पूरा अच्छा सा, लेकिन यही ये खाने से हमको विटामिन मिल सकता है। लेकिन ये दूसरा वाला भी है, ये भी तोड़ेंगे। ये देखिए कितना अच्छा है, कच्चा अंडा खा रहे हैं। खाए क्योंकि कच्चा अंडा खा लीजिए, लेकिन उसके छिलके मत खाइए, क्योंकि छिलके पेट के अंदर जाने से आपका अच्छा पेट खराब हो सकता है। इसलिए अब उसकी अंडा खा जिए और छिलका निकाल दीजिए। बस ये देखिए एक अंडा में खा लिया, लेकिन और दूसरा वाला है। मेरा तो अभी दो अंडे से पेट भर जाएगा, लेकिन हम एक अंडा खाएंगे और एक अंडा
आग से पका कर खाएंगे। बस इस नज़ारा से देखिए कितना बारिश के मौसम है, तेज़ी से बारिश आ रही है, लेकिन बारिश हुआ ही नहीं हमको मालूम नहीं। हुआ तो हम छत भी बनाएंगे, हम आग भी लगा दिया, आग हम लेकिन ये अंडा हम इधर से गर्मी करेंगे, पकाएंगे, पका कर खाएंगे। रात को मच्छर के लिए बचने के लिए आग डालना सही है, लेकिन यहाँ से रख देंगे, अंडा भी मेरा पक जाएगा। लेकिन आप जब भी रात में इधर जंगल में गुजरेंगे, लेकिन ऐसे आग पहले लगाए, क्योंकि जंगल में मच्छर सांप पीछे ला सकते हैं, इसीलिए आग जहाँ भी रुके आग लगाइए, और इस धुआं से मच्छर आपको नहीं काटेंगे। लेकिन हमारा तो ये पकेगा भी नहीं, थोड़ा सा पक जाएगा तो खाने के लिए सही है, लेकिन आग हमारा जल रही है। कच्चे पत्ते से हम अंडा को पका रहे हैं, लेकिन ये पत्ता नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा। ये थोड़ा सा इधर जूम कीजिए, इधर इधर लाइए, पूरा इधर लाइए, इधर इधर दिखाइए, कितना अच्छा हो गया, पूरा जैसे घर में बनाते हैं अंडा खाने के लिए आमलेट, ऐसा हो गया। ये निकाल देंगे। अभी रात का 8 बज गए हैं, और ये खाने के बाद हम चैन से नींद जाएंगे। इधर दिखाइए, ये देखिए पूरा हो गया, जैसे ये देखिए पूरा अंडा चुप जैसा हो गया, लेकिन ये ऐसे ये देखिए पूरा अच्छा सा हो गया, लेकिन हम इसको खाएंगे, थोड़ा पक गया, लेकिन और थोड़ा देखेंगे। ये मेरे लिए सही है, लेकिन यहाँ से ये अभी हम गर्मी, बस ये हो गया हमारा खाने के लिए। ये हो गया, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इस पत्ते को। अच्छा लग रहा है, पकने के बाद अच्छा लग रहा है। बस ये हो गया, हम आग को जलने के लिए सही तरीके लगाएंगे, नहीं तो जंगल चारों तरफ आग लग जाएगा। लेकिन ये थोड़ा देर ऐसे रहेंगे धुआं उठने के लिए, और मच्छर भी नहीं लगेगा। ये रात का अभी मेरा तो अभी खाना हो गया, बस हो गया, दस बज गए और हम अभी चैन से सोएंगे, और एक हवा आ रही है, लेकिन हवा आने से हम अभी क्या करेंगे, उसके बाद हम नींद जाएंगे, लेकिन इधर हम सोएंगे। और लेकिन ये देखिए बुरछा बनाए थे ना, ये कोई भी जानवर आएगा तो हम उसको तुरंत अटैक करेंगे, लेकिन ये हम सोने के लिए सही है, हम इधर सोएंगे। खाना भी हो गया, बस हम सोएंगे लिए। हम अभी सोने जा रहे हैं, आपका गुड नाइट बोल रहे हैं, और सुबह होने के देखेंगे क्या होगा। अभी 12 बज गया, लेकिन और 6 घंटा बाकी है सुबह होने के लिए। सुबह होने के बाद हम अच्छे से घर ढूंढने के आगे जाकर घर मिल जाएगा, इंसानिया बस्ती भी उस तरफ मिलेगा तो हम घर जाएंगे, लेकिन और 6 घंटा बाकी है, और हम थोड़ा सा चैन से सोएंगे। बारिश अभी तो तूफान चल रही है, लेकिन बारिश होगा ही नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऊपर मेरा छत भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सोने के लिए, और बारिश होगा तो हम नीचे भी सो सकते हैं। ये अभी रात का 4 बज गए और हम सोए हैं, और सोने अभी चैन की नींद सोए हैं, और ये देख लीजिए अच्छे से हम ऊपर पत्ते डाले हैं, और सोने के लिए मच्छर पच्छर नहीं काटेंगे, इसलिए हम ऊपर पत्ते डाले हैं, और हमारा ये टोपी पूरा ऊपर से नीचे तक हम ढाँक दी है, और ये वाला ये अभी सुबह हो गए हैं, हम अभी घर जाएंगे और इन उसके तरफ देखेंगे या इंसानिया बस्ती है या नहीं, मिलने के बाद हम घर जाएंगे। ये देखिए हम कैसे चैन से सोए हैं। सुबह हो गई, 6 बज गया, लेकिन ये सोने के लिए सही पत्ता है, लेकिन मच्छर नहीं मिलते कटे, इसलिए बस हम अभी उठेंगे, आगे बढ़ेंगे घर जाने के लिए।
मेरा यार चाकू भी है पास, पहले हम देखते हैं सही चीज सामान है या नहीं। ब्याग भी है, लेकिन आप देखिए हम आज रात भर यहाँ सोए थे लेकिन मच्छर भी नहीं काटे हम, क्योंकि रात रात को हम आग लगा दी थी इसीलिए धुआं निकल रहे हैं। अभी तो बारिश के मौसम में आग बुझ गए, लेकिन हम आगे अभी बढ़ते हैं हर घर जाएंगे। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम रात भर यहाँ रुके थे और हमारे कैमरामैन टीम भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम अभी घर जाएंगे, लेकिन मुझको मालूम है उस तरफ इंसानी बस्ती होगा, हम जाएंगे अभी। हम अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे घर इंसान बस्ती भी होगा, लेकिन हम यहाँ से नीचे उतरने के लिए 500 मीटर होगा, हम सावधानी से जाएंगे। और उस तरफ नज़ारा देखिए कितना अच्छा है, सुबह का नज़ारा उस तरफ देखिए। लेकिन उस तरफ एक गांव है, उधर लाइट जल रहा है ना, हम उस तरफ उस मंजिल तक जाऊँगा और उसके पहचान करके हम घर जाऊँगा। लेकिन इधर से हम अच्छे से नीचे जाएंगे, सुबह का मौसम है, लेकिन इस अभी जो भी जानवर है भूखा हो सकता है, क्योंकि इस अभी सुबह हो गया और खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम सावधानी से जाएंगे। अभी तो मेरे को इंसानी बस्ती मिल गए हैं, थोड़ा 200 मीटर होगा नीचे पहुंचने के लिए, और हम कैमरामैन और हम घर जाएंगे। मेरे टीम भी है मेरे पास, हम अभी घर जा रहे हैं, 200 मीटर होगा नीचे जाने के लिए। ये देखिए स्नेक रहने के लिए सही जगह है, लेकिन यहाँ रात को ज़्यादा खतरा है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जान भी जा सकता है। एक बार लगा देते डंक मारे तो हम एक घंटे के अंदर हमारे जान भी गवा बैठेगी। लेकिन अभी हम नीचे आ गए हैं, ये हमारा इंसान मिल गया, अभी हम घर घर जा रहे हैं। और आइए हमारे पीछे पीछे आइए, बस हम आ गए हैं अभी घर, और हम घर जा रहे हैं। यहाँ में मंजिल तक पहुँच चुकी हैं आज बार, उसके बाद हम घर जाएंगे। यहाँ निकलने के लिए सही रास्ता कहाँ है और उसको पूछने के बाद हम घर जाएंगे। लेकिन अब हम घर जा रहे हैं, लेकिन कितने मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद हमको उम्मीद होगा कि हम वीडियो अच्छा बनाएंगे। बस हम घर जा रहे हैं।